तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एवोल्यूशन एक्स कस्टम रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके बाद जो है इस रोम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर हमने पोको F1 डिवाइस के ऊपर एवोल्यूशन एक्स 7.9 का जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर जो है डाउनलोड किया है। एंड कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा प्लस कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ जो बूट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर बैकअप में जाके करेंट रोम का बैकअप क्रिएट कर सकते हो, बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर वाइप में जाना होगा, एडवांस वाइप में जाके डायल बिग कैशे डेटा, ये जो तीन ऑप्शन है इस तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। डेल्बिक कैशे डेटा तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक करना होगा, बैक करने के बाद जो है पर इंस्टॉल में जाना होगा। जिस भी फोल्डर में अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। रॉम को सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर स्वाइप करके कॉन्फर्म फ्लैश कर देना होगा। रॉम फ्लैश होने में लगभग जो है 5 मिनट के आसपास टाइम लगता है। इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट GApps बिल्ड अवेलेबल है, आपको अलग से जो है प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके फिर से बैक आके पर रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा, उसके बाद विद इन 5 मिनट आपके डिवाइस के ऊपर एवोल्यूशन एक्स कस्टम रॉम जो है बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉम बूट होने के बाद सिंपली आपको जो है रॉम को जो है सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो है एवोल्यूशन एक्स को इंस्टॉल कर सकते हो ऑलमोस्ट किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं नया फीचर्स के बारे में। तो एज बिल्ड तो ऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड 13 के साथ एवोल्यूशन एक्स 7.9 के साथ पोको F1 डिवाइस के लिए। यहाँ पर लेटेस्ट 5th May 2023 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। 4.9 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है एंड एज बिल्ड तो इनफोर्सिंग वाला बिल्ड है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल को ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ, प्लस जो वॉलपेपर जूमिंग का जो ऑप्शन था उसे भी फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर जो है हाइट नॉच का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। अगर बात करें पर कैमरा 2 API के बारे में, कैमरा 2 API के साथ जो है पर फुल का सपोर्ट है। यहाँ पर GCam काम कर जाएगा, गूगल कैमरा गो काम कर जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो मोड का ऑप्शन है, पर HDR मोड, नाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने पर गूगल कैमरा 8.8 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, सिंपली GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट जो है GApps अवेलेबल है, आपको अलग से जो है GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। अगर बात करें यहाँ पर जो परफॉर्मेंस के बारे में, हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था, बाकी यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, क्लोजिंग एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ है, प्लस रैम मैनेजमेंट के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाएगा एवोल्यूशन एक्स के साथ। एंड यहाँ पर जो है 3D मोड के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 2161 का स्कोर देने को मिल गया है पोको F1 डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर 3D मोड के साथ जो कुछ इस तरह से स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करें पर जो Geekbench 5 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 331, मल्टी कोर के साथ जो 1135 का स्कोर है Geekbench 5.5.1 के साथ एंड्रॉयड 13 के साथ। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स, विदाउट रूट सेपरेट जो है पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा। एंड 5 मिनट के लिए CPU थर्डलिंग टेस्ट को हमने रन किया था, मैक्स गया है 162, एवरेज है 110, मिनिमम है 93। यहाँ पर जो है 61% का जो है CPU थर्डल देने को मिल गया है, मैक्स CPU गया है 2.09 GHz तक। तो कुछ इस तरह से इस रॉम के साथ जो है परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर जो है बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है लगभग 5 से 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन है, बेसिकली यहाँ पर जो है बैटरी हेल्थ का ऑप्शन है, बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, स्लीप मोड का ऑप्शन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट चार्जिंग, यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल, एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है थर्मल प्रोफाइल के साथ जो इस तरह से सभी जो ऑप्शन जो है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो है
यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस है, यहाँ पर लो ब्राइटनेस के साथ जो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वॉल्टी, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, नाइट मोड का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पोको फोन डिवाइस के ऊपर अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे तो यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल का ऑप्शन है एंड यहाँ पर एमआई का जो साउंड एनहाइजर इस भी ऐड किया गया है। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है, डेफिनेटली ट्राई करके देखना इस रॉम को। यहाँ पर एमआई का जो साउंड एनहाइजर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग प्रीसेट को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर सिस्टम के साथ जो है इस तरह से सभी ऑप्शन है। यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, ओटी अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर गेस्चर्स के साथ जो है क्विक टैप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो है सिंपली आप जो है क्विक टैप करके जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे। शो नोटिफिकेशन टॉगल टॉर्च का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर शो नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करते उसके बाद इस तरह से डबल टैप करके जो है आप नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर पाओगे। इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल बार प्रेस करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, गेस्चर्स नेविगेशन, टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस डबल टैप टू पॉज नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। प्लस प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन है। स्वैप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। एंड यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लोकेशन प्राइवेसी का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। वॉलपेपर स्टाइल का ऑप्शन, यहाँ पर बेसिक कलर, वॉलपेपर कलर, यहाँ पर थीम आइकॉन अपग्रेड, शॉर्टकट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो लेफ्ट बटन है शॉर्टकट यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्यूआर कोड को सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर जो है टॉर्च लाइट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कुछ इस तरह से क्यूआर कोड एंड यहाँ पर फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन से देने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर सिस्टम आइकॉन पैक का ऑप्शन है, अपग्रेड थीम आइकॉन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट प्लस लाइव डिस्प्ले, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, वेकअप ऑन प्लग का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन ऐप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है। सिम वन एंड सिम टू के लिए अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो। लाइव कैप्शन, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, रिंग टोन वाइब्रेशन पैटर्न, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है। प्लस अपर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, चार्जिंग वाइब्रेशन को डिसेबल कर सकते हो। एमआई का जो साउंड एनहाइजर प्लस क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो स्पीकर में जो भी डस्ट आएगा ऑटोमेटिकली अपर से क्लीन हो जाएगा। एंड अपर नोटिफिकेशन के साथ जो है एनहांस नोटिफिकेशन ब्लिंग लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, पर थीमिंग सेटिंग्स के ऊपर जो अलग अलग ऑप्शंस जो है अवेलेबल है, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल, नेविगेशन बार स्टाइल का जो ऑप्शंस है अवेलेबल है। एंड इस तरह से थीम्स के साथ जो है इसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लस सर्च बार के साथ जो है यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, बैटरी बार का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर सर्च बार आइकन का ऑप्शन है, डेटा डिजेबल आइकन, 4G आइकन, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। ब्लूटूथ बैटरी सर्च का जो ऑप्शन है, माइक कैमरा, प्राइवेसी, लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। एंड यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के ऊपर जो बैटरी लाइट का ऑप्शन है, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल, प्लस यहाँ पर जो ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर नोटिफिकेशन, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिस्कनेक्ट का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस इस तरह से सभी ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन, ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन आप यहाँ से डिसेबल कर पाओगे। प्लस ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल का जो ऑप्शन है, एनिमेशन स्टाइल एंड डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। प्लस लॉक स्क्रीन के साथ जो है पर एज लाइटिंग का ऑप्शन है एंड लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल करने का ऑप्शन है, हाइट सर्च बार का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। एंड रैपिड एनिमेशन को डिसेबल कर सकते हो, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। या पर चार्जिंग एनिमेशन को डिसेबल कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन प्लस पावर मेनू का जो एनिमेशन है सिलेक्ट कर पाओगे। बटन्स के साथ जो है नेविगेशन बार का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन, गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, इसे ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर
डबल टैप टू स्लिप ऑन स्टेटस बार, डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, टॉगल फ्लैशलाइट व्हेन स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर जो क्विक टैप क्विक ओपन कैमरा सिस्टम नेविगेशन वन हैंडेड मोड प्लस यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस तरह से सभी जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो डेफिनेटली एवोल्यूशन एक्स का जो बिल्ड है ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पोको एफ1 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे आप चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय, एंड इस रॉम का डाउनलोड लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो।